डॉक्टर बनने का सपना देखा है ना, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैं डॉक्टर बनने के लिए जो सबसे पॉपुलर एग्जाम है दैट इज नीट एग्जाम, उसकी पूरी कंप्लीट डिटेल्स बहुत आसान भाषा में बताने वाला हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि नीट एग्जाम क्या है, ये कौन दे सकता है, नीट एग्जाम के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एग्जाम की फीस कितनी लगती है, इस नीट एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, और नीट एग्जाम के माध्यम से जो मेडिकल कॉलेज में हमें सिलेक्शन मिलता है उन मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की कितनी सीटें हैं। सो आइए स्टूडेंट्स अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ चीजें मैं आपको कहना चाहूंगा। देखिए, भविष्य में आप डॉक्टर बनने वाले हैं और डॉक्टर जो है वो बहुत पेशेंस रखते हैं अपने अंदर, क्योंकि अगर आपके अंदर पेशेंस यानी धैर्य नहीं है ना तो आप हर मिनट कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, क्योंकि जिस पद पर आप बैठने वाले हैं फ्यूचर में वो बहुत ही जिम्मेदारी वाला पद है। अगर वहां पे एक सेकंड की भी जल्दबाजी आपने किया तो बहुत काम खराब हो सकता है। सो अभी से इसकी आदत आपको लगानी शुरू कर देनी है। मैं देखना चाहता हूं कि 10 मिनट की ये वीडियो लास्ट तक कौन देखना चाहता है, और लास्ट में एक वर्ड दूंगा उसको कॉमेंट सेक्शन में करना है आपको कॉमेंट, मैं पहचान जाऊंगा कि आप सभी स्टूडेंट्स ने लास्ट तक वीडियो देखा है। सब आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके सारी चीजें जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं नीट एग्जाम क्या है और ये कौन दे सकता है। नीट, जिसका फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, ये एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है, यानी नेशनल लेवल का एक एंट्रेंस एग्जाम है, जिस एंट्रेंस एग्जाम के जरिए आप जो है वो किसी भी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेते हैं, और उस मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेके यानी एडमिशन लेके कोई मेडिकल कोर्स करते हैं, और किसी भी मेडिकल कोर्स को करके उस फील्ड में आप डॉक्टर बनते हैं। जरूरी नहीं कि नीट एग्जाम के थ्रू आप सिर्फ MBBS कोर्स करें, आप बहुत सारे कोर्सेज नीट एग्जाम के थ्रू कर सकते हैं, जैसे MBBS, BDS, BHMS, BAMS, इस तरीके की अलग अलग और भी बहुत तरीके की कोर्सेज हैं जो आप नीट एग्जाम देने के बाद मेडिकल कॉलेज से उन सभी कोर्स को करके उस फील्ड में डॉक्टर बन सकते हैं। ये एग्जाम कंडक्ट कौन करवाता है? सो ये एग्जाम एक बहुत ही फेमस एजेंसी जो और भी बड़े बड़े एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, जैसे CUET, तो वो NTA कंडक्ट कराती है। NTA मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इस एजेंसी के द्वारा नीट एग्जाम हर साल कंडक्ट कराया जाता है, राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है जिसमें हर स्टेट के बच्चे इस प्रवेश परीक्षा को देने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और हर साल जंग लड़ते हैं, आपको भी लड़नी है। अब आइए और चीजें समझते हैं कि नीट एग्जाम आप एक साल में कितनी बार दे सकते हैं। सो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस सवाल का जवाब टटोल रहे हैं, सो इसका राइट आंसर है कि हर साल नीट का एग्जाम सिर्फ एक बार होता है, और उसमें लगभग 20 लाख बच्चे हर साल बैठते हैं और इस एग्जाम में फाइट करते हैं। सीटें बहुत कम होती है, लास्ट में जानेंगे कि मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज की सीट कितनी है। अब आइए और आगे चीजें जानते हैं और एक एक करके और इंफॉर्मेशन अच्छे से अपने दिमाग में बैठाते हैं। दूसरा सवाल कि क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, यानी अगर मैं एक कैंडिडेट हूं जो नीट एग्जाम देना चाहता हूं सो मैं कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो आइए देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे सभी स्टूडेंट जो नीट एग्जाम देना चाहते हैं वो स्टूडेंट कम से कम 12वीं पास होने चाहिए। सर मैं इस बार 12वीं में हूं तो क्या मैं इस एग्जाम को दे सकता हूं? डेफिनेटली आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। जैसे 2024 में आप नीट एग्जाम देना चाहते हैं और 2024 में आप 12वीं का भी एग्जाम देने वाले हैं, सो क्या आप नीट एग्जाम दे सकते हैं? जवाब है यस, आप दे सकते हैं, अपियरिंग के थ्रू दे सकते हैं। लेकिन नीट एग्जाम देने के लिए जो भी कैंडिडेट 12वीं पास है या 12वीं में इस वक्त है उसको ये मेक श्योर करना है कि आप 12वीं साइंस स्ट्रीम से कर रहे हैं, और साइंस स्ट्रीम में भी PCB सब्जेक्ट के साथ, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं। और अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको 12वीं में कम से कम 50% मार्क्स से उत्तीर्ण करना पड़ेगा, तभी आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। और अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो 12वीं में 40% मार्क्स भी है तो चलेगा। सो ये रही क्वालिफिकेशंस। आगे बढ़ जाते हैं और अब समझते हैं एज लिमिट क्या है। देखिए, एज लिमिट को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर बहुत सारी डाउट्स है। बहुत ही सिंपल भाषा में समझिए कि आप सभी स्टूडेंट्स जो इस नीट एग्जाम को देना चाहते हैं उनके लिए कम से कम उम्र 17 वर्ष होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 2024 में आप नीट का एग्जाम देना चाहते हैं, सो 2024 में 31 दिसंबर तक आप 17 साल से अधिक के होने चाहिए,
तभी आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं और नीट एग्जाम को देख के किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज से कोई पॉपुलर सा मेडिकल कोर्स करके डॉक्टर बन सकते हैं। आगे बात करते हैं कि नीट एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या है और एग्जाम की फीस क्या है। सबसे पहले ये एक एंट्रेंस टेस्ट है। इस टेस्ट के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जोरदार तैयारी करनी पड़ेगी, इसका एग्जाम देना पड़ेगा। इस एग्जाम को क्रैक करके तब आपको किसी अच्छा मेडिकल कॉलेज से मेडिकल कोर्स करने को मिलेगा। सो इस एग्जाम को देने के लिए आपको एग्जाम फॉर्म भरना पड़ता है, जो एग्जाम फॉर्म हमेशा हर साल दिसंबर से फरवरी महीने के बीच में रिलीज होता है, जिसको लाखों स्टूडेंट्स भरते हैं और एग्जाम फॉर्म भरने के बाद जोरदार मेहनत करते हैं। सो अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग फीस है। जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको फॉर्म भरने में 1500 रुपये लगेगा। अगर आप जनरल EWS या OBC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो 1400 रुपये लगेगा। अगर आप SC ST PWD या ट्रांसजेंडर हैं तो 800 रुपये लगेगा। इस तरीके से इसकी फीस अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग है। आगे बात करते हैं सबसे क्रिटिकल चीज के बारे में, जिस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं, बट अगर आपने यहां तक टिक गया है तो फिर इसको समझाने की गारंटी मेरी है। देखिए एग्जाम पैटर्न क्या है, तो सबसे आसान भाषा में आप समझिए, इस एग्जाम में टोटल 200 प्रश्न आपको दिए जाते हैं पेपर में सॉल्व करने के लिए, जिसमें आपको 200 में सिर्फ 180 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, चार सब्जेक्ट से लगभग क्वेश्चंस बनते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। जो बायोलॉजी है ना, उसके दो सेक्शंस हैं, जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है, तो इस तरीके से चार सब्जेक्ट आप मान के चल सकते हैं। फिजिक्स में 50 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 45 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर आपको मिलते हैं, इस तरीके से 45 क्वेश्चन के लिए 180 मार्क्स आपको मिल गए। केमिस्ट्री में भी 45 क्वेश्चन, जूलॉजी में भी 45 क्वेश्चन, बॉटनी में भी 45 क्वेश्चन, यानी टोटल आपको 180 प्रश्न करने हैं। 180 प्रश्न के लिए आपको 720 नंबर्स दिए जाते हैं। अगर हम बात करें कितने देर का पेपर होता है, तो 3 घंटे 20 मिनट का आपको पेपर की टाइमिंग होती है। 3 घंटे 20 मिनट में आपको 180 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे बड़ा सवाल कि क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इसका जवाब है यस, नीट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो सही का जो नंबर आपको मिला है उसमें से भी नंबर काट दिया जाता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। उसके बाद बात आती है सिलेबस की, कि सर हम कौन से सिलेबस को टारगेट करें। सो जो भी आपने 11th और 12th में पढ़ा है, उसी 11th 12th के NCERT का कंप्लीट सिलेबस आपको नीट के लिए भी पढ़ना है। बट आप जानते हैं ना कि बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। बोर्ड्स में सीधे सीधे क्वेश्चंस होते हैं फॉर्मूला बेस, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में थोड़ा सा ट्विस्टिंग फैक्टर होता है। सो उसके लिए आपको यूट्यूब पे अच्छे टीचर्स या फिर ऑफलाइन कोचिंग की सहारा लेनी पड़ेगी और NCERT को 11th 12th के फोकस करना होगा। सेम सिलेबस आपको नीट का भी दिखेगा। लास्ट क्वेश्चन की टोटल कितनी सीटें हैं। हर साल बच्चों 20 लाख बच्चे फाइट करते हैं, उसमें से 10 लाख बच्चे तो ऐसे ही फैशन में या फिर बिना तैयारी के बैठ जाते हैं एग्जाम में। ज्यादा कंपटीशन सिर्फ 10 लाख बच्चों में होता है, उसमें भी कई बहुत स्ट्रांग होते हैं, कई ड्रॉपर्स होते हैं, कई कम मेहनती होते हैं। सो उसमें भी आपको ज्यादा घबराना नहीं है, बट कॉम्पिटिशन काफी टफ है। इसमें 20 लाख बच्चे मतलब हर साल पेपर देते हैं, 20 लाख, लगभग 20 लाख। ठीक है, 20 लाख में सिर्फ आपकी टोटल सीटें 1,05,383 है, 1,05,383। इसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीटें सिर्फ 54,968 है, यानी 54,968। इतनी ही सीटें सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की है। कहां 20 लाख स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं और गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें सिर्फ 54,968 है, लगभग इतनी ही है। और इसमें आप सभी स्टूडेंट्स को इतनी ही सीटों के लिए इतने स्टूडेंट से लड़ना है। बट मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स फैशन के लिए फॉर्म भरते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही भर देते हैं, कहा सुनी में ही ऐसे भर दिए, तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप डेडिकेटेड अपनी तैयारी बेहतरीन लेवल की कर रहे हैं, सपना देख रखा है आंखों में कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। क्योंकि अगर आपने यहां से स्ट्रांग अपने माइंडसेट को बना लिया है ना, तो आप वो चीज पा के रहेंगे। ये मेरा वादा है आप सभी स्टूडेंट्स के साथ। यहां तक टिक के इस वीडियो को देखना, इसका मतलब आपका सपना आपके बहानों से बड़े हैं।
आपने जो जो सपना देखा है उसके प्रति आप स्ट्रिक्ट हैं, तभी आप इस 10 मिनट की वीडियो में टिक गए। अब यहां से आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में बस ये लिख दीजिए कि ड्रीम डॉक्टर, मेरा ड्रीम डॉक्टर बनना है। बस ये कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं पहचान जाऊंगा कि आप में से मैक्सिमम बच्चों ने वीडियो लास्ट तक देखा है। ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, कोई डाउट है कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर, जय हिंद।